नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विशाल पीक फिटनेस में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने 4 वीक बिगिनर प्रोग्राम के 10th वीडियो के बारे में कि आज हम क्या परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, आज हम परफॉर्म करेंगे अपना बैक और बाइसेप्स। हम इस वर्कआउट को सैटरडे के दिन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए चलते हैं जिम में और देखते हैं क्या करना है। हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग्स करेंगे। पहली स्ट्रेचिंग हमारी होगी लोअर बैक के लिए, कैट एंड काउ स्ट्रेच। अब हम अपने फोरआर्म और बाइसेप्स को स्ट्रेच करेंगे। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह पाम्स को ज़मीन पर रखकर पीछे की साइड स्लाइटली बेंड होकर अपने आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे हम। नेक्स्ट हम कोबरा स्ट्रेच करेंगे। ये स्ट्रेचिंग भी हमारी लोअर बैक के लिए होगी। कोबरा स्ट्रेच करते हुए हम अपनी ब्रीथिंग पर ज़रूर फोकस रखेंगे। हम मुँह से ब्रीथिंग करेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। हमारी आज की पहली एक्सरसाइज है बारबेल बेंट ओवर रोज। जिसके हम 4 सेट लेंगे 10 से 12 रेपिटेशंस के लिए। बेंट ओवर रोज के लिए हम सबसे पहले अपने पैरों को शोल्डर के बराबर खोलकर प्लेस करेंगे। उसके बाद हम अपनी अपर बॉडी को ऑलमोस्ट फ्लोर के पैरेलल लेकर आएंगे। बार को हम अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर पकड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे बार को अपने लोअर एब्स की तरफ पुल करें। वेट हम हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज के दौरान हमारे कंट्रोल में रहे वेट। एक चीज़ का ध्यान और रखें, जब हम बार को ऊपर पुल करेंगे तो हम अपनी अपर बैक और लैट्स को इंगेज करते हुए करेंगे। यानी कि जब ऊपर लेकर जाएं तो ऊपर स्क्वीज को फील करें और जब नीचे वापस आएगी बार तो स्ट्रेच को पूरी तरीके से फील करें। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। इसके हम 4 सेट करेंगे 10 से 12 रेपिटेशन के लिए। लैट पुल डाउन में हम ग्रिप शोल्डर से थोड़ा बाहर लेंगे। ग्रिप हम हमेशा हुक ग्रिप रखेंगे, यानी कि अंगूठा हमारी बार के ऊपर रहेगा। दोस्तों, हम नीचे बार को अपनी ऑलमोस्ट चिन तक लेकर आएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि जब हम बार को नीचे खींचें तो हमारी एल्बोज बॉडी के पास लाने की कोशिश करेंगे और हम ऊपर जाते हुए यानी नेगेटिव्स में कंट्रोल के साथ ऊपर जाएंगे। ये नहीं कि हम लोग झटका दे रहे हैं।
वेट हम हर एक्सरसाइज में अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ। अगर आप चाहे तो फिफ्थ सेट यानी कि आखिरी एक और सेट ले सकते हैं, जो कि हमारा फेलियर सेट होगा, जिसमें हम अपनी फेलियर रेपिटेशंस के लिए जाएंगे। यानी कि लास्ट हम जितना लगा सकते हैं उतना वेट लगाकर हम जितनी हो सके उतनी रेपिटेशन निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है सिंगल आर्म न्यूट्रल ग्रिप डंबल रोज। इसके हम चार सेट लेंगे 8 से 10 रेपिटेशंस के लिए। सिंगल आर्म रो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये हर लैट्स को इंडिविजुअली ट्रेन करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हम अपनी एक एक लैट्स को अलग अलग इंडिविजुअली ट्रेन कर सकते हैं, पूरा स्ट्रेच फील कर सकते हैं, पूरा स्क्वीज फील कर सकते हैं। इसमें भी हम अपनी अपर बॉडी को ऑलमोस्ट फ्लोर के पैरेलल करते हुए उसी तरीके से डंबल को ऊपर की साइड पुल करेंगे, जिस तरीके से हम बेंट ओवर रो में अपनी बार को कर रहे थे। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम आर्म को ऊपर लेकर आए तो हम अपोजिट डायरेक्शन में एल्बो को खींचने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लैट्स का एंगेजमेंट और बढ़ेगा। कोशिश करें एल्बो को बॉडी के जितना हो सके उतना क्लोज रखें। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है बारबेल बाइसेप्स कर्ल। इसके हम 4 सेट लेंगे 10 से 12 रेपिटेशन के लिए। बाइसेप्स कर्ल हम वाइल्ड ग्रिप के साथ करेंगे। वाइल्ड ग्रिप यानी कि हम शोल्डर से थोड़ा बाहर अपने बार को ग्रिप करेंगे। पूरी एक्सरसाइज के दौरान हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम बाइसेप्स को पूरा स्ट्रेच करें और पूरा स्क्वीज करें। यानी कि हम जब बार को नीचे लेकर जाएंगे तो हमारा बार पूरे नीचे तक स्ट्रेच होना चाहिए, यानी पूरा नीचे तक आना चाहिए, जिससे कि हमारा मसल पूरा स्ट्रेच हो। और जब हम बार को ऊपर लेकर आएंगे तो हम ध्यान देंगे कि बाइसेप्स को पूरा स्क्वीज करें, यानी पूरा ऊपर तक लेकर आएं। हम इस एक्सरसाइज को पूरे कंट्रोल फॉर्म में लगाएंगे, यानी कि हम अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल भी जर्क नहीं करेंगे, यानी हिलाएंगे नहीं, और हम शोल्डर का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें खाली बाइसेप से ही हम लोड को ऊपर और नीचे करें। हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल बाइसेप्स कर्ल। इसके हम 3 सेट लेंगे 10 रेपिटेशंस के लिए। दोस्तों इंक्लाइन डंबल के लिए हम अपने बेंच को ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल पर सेट करेंगे। हम कोशिश करेंगे अपनी एल्बोस को शोल्डर के पीछे ना जाने दें, जिससे कि लगातार हमारे बाइसेप्स में कंटिन्यूअस टेंशन बना रहेगा। हम कोशिश करेंगे जब ऊपर लेकर आए डंबल को तो अपनी पिंकी फिंगर यानी सबसे छोटी फिंगर को थोड़ा बाहर की साइड टिल्ट करेंगे। हमारी आज की 6th एक्सरसाइज यानी लास्ट एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल, जिसके हम 3 सेट लगाएंगे 10 रेपिटेशंस के लिए। प्रीचर कर्ल एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारी पीक डेवलपमेंट के लिए। हम अपनी चेस्ट को प्रीचर कर्ल मशीन पैड के ऊपर पूरा टच कर बैठेंगे।
ग्लूट्स को थोड़ा पीछे रखेंगे और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे पूरी एक्सरसाइज के दौरान कि हम अपने आर्म को पूरा एक्सटेंड ना करें। अगर हम अपनी कलाइयों को आगे पीछे रोटेट करेंगे तो हमारे फोर आर्म जल्दी गिव अप कर जाएंगे, इसलिए हम अपनी रिस्ट को एक जैसा ही रखेंगे पूरी एक्सरसाइज के दौरान। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, हम बार को उतना ही ऊपर लाएंगे जितना कि हमारा बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और उतना ही जितना हमें मसल अलाउ करे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्कआउट। हम इस वर्कआउट को इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमेशा स्ट्रेचिंग और वार्म अप ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।